नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग M21 2021 एडिशन में वन यूआई कोर 5.1 का अपडेट दोस्तों रोल आउट कर दिया गया है। ये अपडेट दोस्तों लास्ट मंथ आया था, लगभग 10-15 अप्रैल के अराउंड। बस उस टाइम में वीडियो नहीं ला पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर डिले हो गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ। तो यहाँ पे एक नए तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो लाई जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फीचर्स तो यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि इस अपडेट में थोड़े बहुत नए फीचर्स भी आए हैं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि क्या बग्स हैं, क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है 15 दिन में इस अपडेट के बाद में। ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली आप सभी के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, कमाल की वीडियो फीचर देखने के लिए। आज की कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। वो यहाँ पे आपको क्विक पैनल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एडिट बटन में जाते हो, यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन शॉट का एक यहाँ पे टाइल ऐड कर दिया गया है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन शॉट ले पाओगे। मतलब एक क्विक टाइल इन्होंने ऐड कर दिया कि बिना कोई की प्रेस करे, बिना एच पैनल में जाए, आप डायरेक्टली यहाँ पे टैप करके स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ये सभी फोन्स में आया, S21 FE में भी आया था, और अब ये सबसे लोअर रेंज में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों विजेट्स में एक बहुत अच्छा और यूजफुल फीचर ऐड किया गया है। यहाँ पे जब आप विजेट्स में जाते हो तो देख सकते हो दो नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक एंड्रॉइड एस ईस्टर एग, जिसमें वो कलर पैलेट सारी आपको दिख जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको सिंपली आप ऐड करोगे तो आपको कई सारे यहाँ पे कलर पैलेट, जिनको आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो इससे और ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों बैटरी का विजेट। अब दोस्तों अगर मान लीजिए, जब जैसे कि दोस्तों सैमसंग अपना इकोसिस्टम बना रहा है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि सैमसंग अपना इकोसिस्टम ला रहा है यहाँ पे और ला भी चुका है। अगर आपके पास सैमसंग बड्स हैं, सैमसंग वॉच है, सैमसंग का लैपटॉप है, तो सब कुछ आप एक ही जगह पे देख सकते हो कि बैटरी इंफॉर्मेशन क्या है सभी डिवाइसेस की। तो डायरेक्टली आप इस विजेट को ड्रैग करके ला सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि सभी डिवाइसेस को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, कौन से आप विजेट्स को देखना चाहते हो। और अगर और ज्यादा है, 4 से ज्यादा भी डिवाइसेस हैं, तो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। यहाँ पे दोस्तों गैलरी में एक दो चेंजेस करे गए हैं। लाइक अगर आप गैलरी में आप यहाँ पे सर्च करते हो कोई चीज को, मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक हो गया आपके पास फोटोज का, फोटो नहीं मिल रही है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस सर्च यहाँ पे लाया गया है। अब डायरेक्टली आप अगर आप सर्च पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये देखो सेल्फी, प्लांट्स या फिर रोजेस खुद ही डिटेक्ट करेगा AI के माध्यम से और आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कराएगा। अब डायरेक्टली आप अगर सेल्फी पे जाते हो तो जितनी सेल्फीज होंगी वो आ जाएंगी। अब अगर आप सर्च पे जाके रोजेस क्लिक करते हो तो जो भी रोज डिटेक्शन होगा किसी इमेज में वो यहाँ पे इमेज शो हो जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि चलो अब AI जब आ ही रहा है तो क्यों ना अब छोटी छोटी जगहों पे भी उसका इंटीग्रेशन किया जाए। साथ ही में एक और छोटा सा बहुत अच्छा चेंज हुआ है यहाँ पे। देखो जब आप कोई भी फोटो की डिटेल्स देखते हो तो पहले आपको अंदर जाना पड़ता था कि कौन सा कैमरा पिक्सल है, कितना एक्सपोजर है, कितना शटर स्पीड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी फोटो की आप डिटेल्स को सिंपली स्वाइप करोगे तो एक और एक लोअर सेक्शन ऐड किया गया जिसमें सभी डिटेल्स दिख जाएंगी। इतने MB की है, इतना कैमरे से खींची गई है, इतना एक्सपोजर रहा, इतना शटर रहा, इतना फ्रेम पर सेकंड रहा, तो सारी चीजें आपको सिर्फ एक स्वाइप करके ही यहाँ पे अब दिख जाएंगी। साथ ही में गैलरी में इतना ही नहीं, एक और अच्छी चीज यहाँ पे ऐड करी गई है। अगर आप गैलरी लैब्स को यूज करते हो सेटिंग्स में जाके, तो देख सकते हो गैलरी लैब्स में यहाँ पे अब एक सेक्शन ऐड हुआ है, वो सब PDF का। मतलब आप अब डायरेक्टली यहाँ पे PDF बना सकते हो। दोस्तों जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, ये फीचर लिटरली बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। साथ ही में प्रिंट मल्टीपल पिक्चर्स आप कर सकते हो, मतलब एक ही तरीके से काम करता है। अगर दिखाऊं मैं आपको, देखो गैलरी में जाके अगर आप 3 पिक्चर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव PDF कर सकते हो, PDF बना सकते हो, या फिर अगर प्रिंट पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास वो वाईफाई वाला प्रिंटर है तो डायरेक्टली आप कमांड देकर प्रिंट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो सेटिंग्स में देख सकते हो आपको यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में एक नई चीज ऐड करी गई है। ये काफी अच्छी चीज है, और अगर मोड्स एंड रूटीन आप यूज करते होगे तो आप ये फीचर को यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब देखो अगर आप जैसे स्लीप मोड में जाते हो तो यहाँ पे देखो अब आप कैटेगरी के हिसाब से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए आपने 5 रूटीन अपने दिन भर में लगा सकते हैं तो 5 बार आपका फोन वॉलपेपर चेंज करेगा। देखो जैसे स्लीप में आप आए हो तो स्लीप में अगर वॉलपेपर में जाते हो तो स्लीप मोड में अगर आपको कोई वॉलपेपर पसंद है, कोई ऐसा कोट लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वॉलपेपर में लगा सकते हो। अगर जैसे मान लो एक मोटिवेशनल कोट आपको लगाना है एक्सरसाइज करते टाइम पे, कोई ड्वेन जॉनसन की एक बढ़िया पिक्चर लगानी है, तो भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज मोड में लगा सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। देखो छोटे छोटे ये ट्वीक्स हैं, बहुत बड़े फीचर्स तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आए हैं वन यू आई 5.1 में, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब की बार वन यू आई 5.1 चाहे फ्लैगशिप डिवाइस हो चाहे नॉर्मल डिवाइस हो, कुछ फीचर्स यहाँ पे सभी में कॉमन रखे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पे दोस्तों सेटिंग्स में एक सजेशंस बहुत अच्छा ऐड करा गया है। देखो जब आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करते हो तो देख सकते हो एक मेरा यहाँ पे सजेशन लिखकर आ रहा है। ये फीचर तभी काम करेगा जब आप सैमसंग अकाउंट से लॉग इन कर लोगे, मतलब सैमसंग का अकाउंट आपके कोई ID से अटैच होना चाहिए। देखो
फाइंड योर फोन इफ इट्स लॉस्ट, ये एक सजेशन दे रहा है, मतलब एक तरीके का इन्फॉर्मेशन क्विक टिप एवरी टाइम यहाँ पे शेयर होती रहेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके सजेशंस में अगर जाते हो तो देख सकते हो ये फाइंडर सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, इसको आपको ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ये सजेशन सेटिंग्स के अंदर भी देता रहेगा, बहुत हेल्प करता है। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ ये सामने ला देता है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता होता है, तो उसको ओपन करके मैं देखता हूँ कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पे बचा सकते हैं फोन को, या फिर फोन की हेल्थ या फिर फोन के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों कॉल बैकग्राउंड में अगर आप कॉल बैकग्राउंड्स लगाना पसंद करते हो तो सेटिंग्स में जाके आपको सिंपली यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड में जाना होगा, और अब देख सकते हो यहाँ पे एक डार्क मोड का भी सेक्शन इन्होंने ऐड किया है। मतलब आपका जो बैकग्राउंड सेट है, जब आप कॉल मान लीजिए आपके पास किसी का फोन आया तो जो पीछे बैकग्राउंड शो हो रहा है उसका भी आप एक्सेंट चेंज कर सकते हो, लाइक डार्क मोड है या फिर लाइट मोड है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को लगा सकते हो यहाँ पे। और अब बढ़ते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट फीचर की तरफ जो मुझे काफी पसंद आया, कि यहाँ पे अब मेंटेनेंस मोड ऐड कर दिया गया है। मेंटेनेंस मोड दोस्तों, जब मैंने S21 FE का अपडेट रिलेटेड वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, आया था इसमें एंड्रॉइड 13, तो मेंटेनेंस मोड मैंने इसमें एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे इन फोन्स में भी मेंटेनेंस मोड होना चाहिए, और जितने सैमसंग के फोन हैं 5000 से लेकर 1.5 लाख तक, सभी में ये फीचर होना चाहिए, क्योंकि ये फीचर आपको तब हेल्प करेगा जब आप अपने फोन को सर्विस सेंटर पर देकर आओगे। तो आपके दिमाग में कोई टेंशन रहेगी कि मेरा अगर डेटा कहीं लीक हो गया, किसी ने मेरी फोटोज को चुरा लिया या फिर कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, तो ये फीचर आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, मेंटेनेंस मोड को सिंपली आपको ऑन करना होगा, एक बार में टर्न ऑन कर सकते हो। याद रहे, फ़ोन में एक पासवर्ड लगा होना चाहिए, पिन या पैटर्न कोई भी आप लगा सकते हो। तो देख सकते हो जब आपका फ़ोन मेंटेनेंस मोड में जाएगा तब ये बिल्कुल एकदम फ्रेश या फिर क्लीन फ़ोन बन जाएगा। यहाँ पे गैलरीज के अंदर कुछ नहीं शो होगा, फ़ोन के अंदर कुछ नहीं शो होगा, मतलब बिल्कुल एकदम मिनिमल, बिल्कुल जितने ज़रूरी ऐप्स हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वही सारे यहाँ पे शो होंगे। सेटिंग्स में भी जाओगे तो डेवलपर ऑप्शंस नहीं शो होंगे, काफ़ी मतलब एकदम सिक्योर बना देता है। तो ये दोस्तों कुछ फीचर्स थे जो मैंने नोटिस किए इस अपडेट के बाद में। बाकी आपको कोई अगर कोई फीचर नोटिस हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अगर 5-6 फीचर्स हो गए तो एक और इसका पार्ट 2 बना देंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स की, जैसा मैंने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा रिव्यू भी मैं यहाँ पे दूंगा। देखो इस ये जब से ये अपडेट आया है, लगभग 13-14 को मैंने इसको इंस्टॉल किया था अप्रैल में, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 हफ्ते में मुझे थोड़ी सी यहाँ पे लैगीनेस लगी है। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है आप अपना शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट मैं अपना पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा जिटरीनेस फील हुई है, पहले ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा था लेकिन अब ये फ़ोन मुझे थोड़ा सा लैगी फील हो रहा है। अब इसका क्या कारण है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक इसका जो एक सिक्योरिटी पैच अपडेट होता है 200-300 MB का, वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि सैमसंग जब भी एक बड़ा अपडेट रोल आउट करता है उसके 1 या 2 हफ्ते बाद ही एक छोटा सा भी अपडेट दे देता है, ताकि कोई भी बग्स होते हैं तो वो सब उसमें सॉल्व हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो गया है, या फिर फ़ोन में थोड़ी सी जिटरीनेस आ गई है। अब देखो फ़ोन स्लो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गेमिंग मैंने करके देखी अच्छे से हो रही है, लेकिन थ्रॉटल टेस्ट जब आप देखते हो इसका तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स आ रहे हैं, काफ़ी ये रेड पैच में ट्रैवल कर रहा है इसका जो कर्विंग पाथ है, और मतलब मुझे लग रहा है कि फ़ोन में कुछ ना कुछ हल्का सा बग्स आया है जैसे ही ये अपडेट इंस्टॉल हुआ है। क्योंकि अगर आप देखो सेटिंग्स ओपन करते हो तो 1 सेकंड बाद ये ओपन होता है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि डिले हो गया है यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग में भी। बाकी अब सैमसंग इसको कब सॉल्व करता है, कब इसमें जो सिक्योरिटी वाला अपडेट है वो लेकर आता है, ये तो नहीं पता, लेकिन जल्दी से जल्दी सैमसंग को लाना चाहिए, वरना ये फ़ोन काफ़ी लैगी होता जाएगा इन फ्यूचर। और जैसा कि अब इसमें अपडेट मुझे नहीं लगता कि और आगे आएंगे, क्योंकि इसकी अपडेट साइकिल पूरी हो गई है, और अब जो इसमें अपडेट आएंगे वो लगभग यहाँ पे 3 महीने या फिर 4 महीने बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। तो सैमसंग अगर 100-200 MB का एक छोटा सा अपडेट दे दे, सिक्योरिटी पैच अपडेट, तो ये इशू सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस लग रहा है, आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस बहुत बहुत सॉरी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि कुछ पर्सनल काम में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, बट अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस लाऊं, और 1-2 नए फोन्स भी जो भी सैमसंग ने लॉन्च करे हैं वो सबकी वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के समय वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।